उद्योगों की नगरी में गिना जाता है, लेकिन लॉकडाउन में उद्योग नगरी पूरी तरह चौपट होती दिखाई दे रही है, जिसका कारण है उद्योगों का लॉकडाउन के दौरान बंद किया जाना। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश सरकार ने कई उद्योगों को बंद कर दिया था, जिसका मकसद था कि कोरोना वायरस पर रोक लगा दी जा सके, जिसकी कुछ समय बाद सरकार ने उद्योगों को कुछ नियमों के आधार पर खोलने की अनुमति दे दी थी। लेकिन इससे पूर्व कुछ प्रवासी मजदूर पैदल अपने घरों के लिए रवाना हो गए थे, तो कुछ प्रवासी मजदूरों की मांग पर सरकार ने उन्हें उनके राज्य में भेज दिया था। यही कारण है कि उद्योगों को चलाने के लिए मजदूर आज ढूंढने से भी उद्योगपतियों को नहीं मिल पा रहे हैं। यही कारण है कि उद्योग को चलाने की मंजूरी मिलने के बाद भी उद्योग बंद पड़े हैं। तो वहीं उद्योगपतियों पर बैंक से लिए गए कर्ज की ब्याज की दोहरी मार पड़ती जा रही है। उद्योग न चल पाने के कारण उद्योगपति बैंकों के लिए कर्ज की ब्याज जमा नहीं कर पा रहे हैं। उद्योग न चल पाने के कारण उद्योगपति बैंकों से लिए गए कर्ज की ब्याज जमा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उद्योगपतियों के सामने दोहरा संकट मंडरा रहा है। यही कारण है कि उद्योगपति प्रदेश सरकार की तरफ आज भरी निगाहों की टकटकी लगाए बैठे हैं। यूपी के और बिहार के हमारे यहाँ काफी मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ वे सब लोग यहाँ से पलायन कर गए और अभी तक भी वो यहाँ पर इंडस्ट्री में काम करने के लिए नहीं आ पाए। गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसी है, जिसमें बॉर्डर पर वे बाहर के मजदूरों को उत्तराखंड के अंदर आने नहीं देते, इस लिहाज से वहाँ से मजदूर हमारी इंडस्ट्री में आ नहीं पा रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री फुल कैपेसिटी से प्रोडक्शन में नहीं आ पा रही है। इससे मजदूरों के ना होने से हम लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है और इंडस्ट्री हम लोग पूरी फुल कैपेसिटी से नहीं चला पा रहे। हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादातर दिल्ली NRC में जाता है और दिल्ली या NRC अभी पूरी तरह से वहाँ से अनलॉक नहीं हुआ है, तो प्रोडक्शन जो हमारा हम कर रहे हैं वो अभी हम पूरी कैपेसिटी से उसको डिस्पैच नहीं कर पा रहे हैं और हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑन डिमांड पर बनता है, तो ऑन डिमांड भी हमारे पास पूरी तरह से अभी इंडस्ट्री में नहीं आ पा रही है। इस लिहाज से हम लोग जो है बहुत ही जद्दोजहद में हैं कि हम इंडस्ट्री को चलाएं या ना चलाएं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी स्टॉक भी इकट्ठा हो गया है और इंडस्ट्री को बंद करके तो बहुत ही हम लोगों को नुकसान होता है और बस जैसे तैसे हम लोग चला रहे हैं। हर इंडस्ट्री पर जो है लोन होता है, उसका जो वर्किंग कैपिटल का जो लोन होता है, जो जिससे कि हम लोग खरीद फरोख्त करते हैं, तो वो तो बैंक हमको दे रहा है और उसमें बैंक जो इंटरेस्ट लेता है वो तो तिमाही छमाही जो भी उसका ग्रेड है उस हिसाब से हमें लेता है और लेता रहेगा, तो वो तो हम लोगों को देना ही देना है, वो तो हम पर दिन प्रतिदिन है उसका जो है ड्यू हम लोगों पर लग रहा है। ये तो बिल्कुल सही है कि लेबर के जाने से इंडस्ट्री को प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, मजदूर मिल नहीं रहा है और मजदूर के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है कि वो अगर इंडस्ट्री में रुकता है तो उसका क्या फ्यूचर होगा, ये वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। फिर से कॉन्फिडेंस बिल्टअप होने में थोड़ा समय लगेगा, इंडस्ट्री फुल फ्लैश चलने में समय लगेगा, लेकिन अभी इंडस्ट्री चल रही है, करीब अप टू 50% कैपेसिटी पर चल पा रही है। इंडस्ट्री का तो दब निकल चुका है, इंडस्ट्री को ना मार्केट मिल रहा है, ना मजदूर मिल रहा है, ना ढंग से इंडस्ट्री चल पा रही है, ना अपने प्रोडक्ट को बेच पा रही है। उड़ान में बहुत कमी है, पहले जितना फ्रीली ट्रेड होता था बहुत कम बिक रहा है, बहुत ही मार्केट के अंदर बाहर की कमी है। देखिए, इंडस्ट्री ने जो बैंकों से लोन लिया हुआ है, गवर्नमेंट ने उसको बेवक्त तो किया नहीं है, उसको सरकार जरूर दिया है, अल्टीमेटली वो पैसा तो हमें बैंक को दे रही है, इंडस्ट्री हमारी बंद पड़ी है, हम कोई कमाई तो कर नहीं पा रहे हैं, जब कमाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो पैसा हमें अपने पॉकेट से देना पड़ेगा और फ्यूचर में हमें परेशानी महसूस होगी इतना पैसा एक साथ देने के लिए। सबसे पहले तो जो लॉकडाउन का पीरियड है, जैसे 2 से 2.5 महीने जो सरकार ने लॉकडाउन लगाया, इंडस्ट्री को पूरी तरह से बंद रखा है, उस पीरियड में जो लोन बैंक से लिए गए हैं उनके ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ रहा है वो फ्री किए जाने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 महीने के लिए जो मॉरेटोरियम मिला है कि आप 6 महीने के लिए इंटरेस्ट फ्री करो,
लेकिन जिस टाइम लॉकडाउन रहा है उस पीरियड का इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए, क्योंकि जब हमने कमाई की नहीं है, हमारी इंडस्ट्री बंद पड़ी रही है, तो हम बैंक को लोन इंटरेस्ट कहाँ से दे पाएंगे? देखिए, इस समय जो कोरोना की स्थिति चल रही है देश के अंदर, इसमें उद्योग चलना और ना चलना एक ना चलने के समान ही है, क्योंकि उद्योग जो मेन चलता है वो चलता है लेबर से। बिना लेबर के, बिना वर्कर के कोई भी उद्योग नहीं चल सकता। हमारे सामने जो मेन दिक्कत है वो लेबर की है, वर्कर्स की है, और इस समय जो लेबर का पलायन हुआ है उसकी वजह से उद्योग के लोडिंग में, अनलोडिंग में, प्रोसेस के सारे कामों में काफ़ी दिक्कत आ रही हैं, जिसकी वजह से उद्योग बंदी के कगार पे। हम सरकार से ये आशा करते हैं कि सरकार इस वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, उद्योग का भविष्य देखते हुए, जो अप्रैल, मई, जून 3 माह का डिक्लेयर किया है कोरोना काल, तो इस महामारी को देखते हुए जिससे आगे उद्योग कंटिन्यू चलते रहें, इसमें जो भी इंटरेस्ट है वो उनका माफ़ कर दिया जाए और आगे ही उसको फॉरवर्ड ना किया जाए। इसमें ना तो हमारे पास रॉ मटेरियल आ पा रहा है, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है तो जो हमारे यहाँ लेबर रहती थी वो प्रोसेस नहीं कर पा रही है, पूरा फैक्ट्री के काम शिफ्टें सारी बंद हैं, उसी की वजह से हमारी माल जो है, जो तैयार है वो लोडिंग नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो है दोनों प्रॉब्लम में ही जो है हम इसका सामना करना पड़ रहा है। और बॉर्डर की सख्ती को देखते हुए प्रशासन ने जो सख्ती की है उसमें इतनी सख्ती है कि परमिशन भी टाइम पर नहीं मिल पा रही है वर्करों को, जिससे यूपी से सटे होने की वजह से हमारे उद्योगों को लेबर का अधिक सामना करना पड़ रहा है। माल में तो सरकार ने कोई रुकावट नहीं रखी है, माल बन जाता है तो चला जाता है, लेकिन माल बन ही नहीं पा रहा है, क्योंकि मेन समस्या ही लेबर की है और कोई समस्या इतनी नहीं।